और कल जब हम होली खेल रहे थे तो खाकी हमारी सुरक्षा में मुस्तैद थी, आज खाकी होली खेल रही है और खाकी पर होली का रंग चढ़ा है। प्रदेश भर में पुलिस वालों की होली और पुलिसकर्मी होली खेल रहे हैं। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव रिजर्व पुलिस लाइन पहुंचे हैं। इसके अलावा एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद बिश्नोई पहुंचे हैं, एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप पहुंचे हैं, डीसीपी ट्रैफिक प्रहलाद कृष्णा सहित आला अधिकारी मौजूद हैं। उस देर में डीजीपी उमेश मिश्रा भी रिजर्व पुलिस लाइन पहुंचेंगे। हमारे सहयोगी सत्यनारायण जुड़ चुके हैं और जोधपुर से हमारे सहयोगी शिवप्रकाश जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, आज हम सबकी जिम्मेदारी है कि खाकी को होली मनाने दे, क्योंकि जब हम त्योहार मना रहे होते हैं तो वो हमारी सुरक्षा में मुस्तैद होते हैं। देखिए संदेश ये आनंद श्रीवास्तव के सुना देखते हैं, खुद आनंद श्रीवास्तव कह रहे हैं जी। ये देखिए दरवाजे सामने आ जाए, दो लोग पीछे हैं, वो भी सामने, एक बार शांत हो जाइए। मैं जयपुर पुलिस के तमाम अपने साथी अधिकारियों और जवानों की ओर से डीजीपी साहब आदरणीय श्री उमेश मिश्रा जी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मजा नहीं है यार, तुम्हारे जोश में कमी है। एक बार और, ये एक बड़ा सुखद संयोग है, ये एक बड़ा सुखद संयोग है कि महानिदेशक पुलिस राजस्थान के पद पर विराजने के बाद जयपुर पुलिस लाइन में साहब आज होली के अवसर पर पहली बार पधारे हैं। शांत हो जाइए। हर्षोल्लास, उमंग और मस्ती, रंगों के इस त्योहार पर मैं आप सभी लोगों की तरफ से और पूरे जयपुर पुलिस की तरफ से माननीय महानिदेशक पुलिस को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अरे मेरी बात सुनो यार, अभी तुम्हीं को सुनना और तुम्हारी तैयारी देखने के लिए डीजी साहब यहां आए हैं। सर, इन लोगों ने होली की इस रंगारंग परेड की बहुत तैयारी की है सर, और ये अभी आपको अपना प्रदर्शन, आपके सामने अपना प्रदर्शन करेंगे। सबसे पहले जो आप लोगों ने परेड की तैयारी की है होली की, वो जो होली का राष्ट्रीय गीत है, उस गीत पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाइए। और में अशोक बड़जात्या के नेतृत्व में आयोजित दिगंबर जैन महासमिति की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर जयपुर के सुरेंद्र कुमार जैन पांड्या को चुना गया। वहीं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के पद पर झांसी के गौरव जैन को चुना गया। चुनाव के बाद महेंद्र कुमार जैन पाटनी को दिगंबर जैन महासमिति की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। महेंद्र कुमार जैन को धार्मिक और सामाजिक कार्य में योगदान देने के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय महामंत्री सुरेंद्र कुमार जैन ने प्रथम भाषण में संगठन को मजबूत करने से संबंध में चर्चा की, साथ ही मौजूद अंचल अध्यक्षों से संगठन को मजबूत करने का ब्रीफ। आज महिला दिवस भी है, बहनों और बेटियों को सरकार की तरफ से तोहफा दिया गया है। महिलाओं को रोडवेज में मुफ्त सफर का तोहफा दिया गया है। कोटा रोडवेज डिपो पर महिला यात्रियों की भीड़ उमड़ी,
विभिन्न प्रमुख मार्गों पर लगाई गई हैं 10 अतिरिक्त बसें और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जयपुर से तृप्ति बनी हुई हैं, जोधपुर से राजीव गौड़ बने हुए हैं, कोटा से भंवर और अजमेर से शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, शुरुआत आपके साथ। महिलाएं आज मुफ्त सफर कर सकती हैं, हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संवेदनशील हैं, वो रक्षाबंधन के त्यौहार पर भी इस तरीके से सौगातें देते हैं, लेकिन इसका असर क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, निश्चित रूप से विजेंद्र, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आता है तो कम से कम महिलाओं में इस बात का विश्वास होता है कि 8 मार्च को तो कम से कम बसें फ्री होंगी। और देखिए कि 2 दिन होली के निकले हैं, पर कोई ससुराल में जो महिलाएं अब और पीहर भी जा सकती है। आज आप देखिए, इस वक्त हम जोधपुर के जो रोडवेज बस स्टैंड है रायका बगवा खड़े, जहां पर सहयोग वाणी सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, दूर दराज क्षेत्रों से महिलाओं का आप आकर्षण देखिए कि पीहर जाने के लिए, घर जाने के लिए और कम से कम इस सुविधा का लाभ कैसे ले उसके लिए मौजूद है। बेटियां भी हमारे साथ उनसे बात कर रहे थे। पहले तो बताएं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर क्या इस घोषणा को लेकर क्या गई? सरकार ने जो लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए जो फ्री यात्रा के लिए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं को इतना सम्मान देने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री को थैंक यू बोल रहे हैं। कुछ और महिलाओं से बात करते हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, कितनी खुशी होती है और आप जब बसें भी फ्री है? खुशी तो बहुत होती है, पर फ्री हो या नहीं हो जाना तो पड़ता है, वही है। पर आज लुक उठाती है महिलाएं, फ्री की वजह से बहुत ज्यादा भीड़ होती है, मजा भी आता है। एक तरफ से शादी है तो जाना है, आज तो किसी भी हालत में जाना ही है, भीड़ हो चाहे नहीं हो। देखिए, चेहरा इसलिए भी खिला हुआ कि घर जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, परिवार में जा रहे हैं। जब बड़ी महिलाओं बुजुर्गों की बात करें, देखिए दूर तक जो तस्वीरों में आपको नजर आ रही है, किस तरीके से जो महिलाएं हैं बसों में ठसाठस होकर के यहाँ से, कोई अपने पीहर जा रहा है, कोई ससुराल जा रहा है, कोई स्टूडेंट्स हैं तो उनको, चूंकि होली की छुट्टी अब खत्म हुई है, 2 दिन का होली का त्यौहार, तो देखिए किस उत्साह के साथ, उमंग के साथ में जा रहे हैं। त्यौहार के साथ में जब कॉम्बिनेशन हो गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का, तो समझा जा सकता है कि ये जो तस्वीर है ये इसलिए भी खूबसूरत है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, पूरे देश भर में आयोजन तो कई सारे हो रहे हैं, बस सुविधा जो दी गई है, मुख्यमंत्री का आभार जता रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव, और बहुत कम राज्य ऐसे होते हैं जहाँ इस तरीके से मुफ्त सफर की सौगात दी जाती है।